अमित शाह जमने पत्रकार परिषद योजी सांभिए बारे में विस्तार से जानकारी दें। नमस्कार मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथी अश्विनी जी और मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे ये कानून भी लाए हैं। नंबर चार, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। अभी हाल ही के दिन में दो घटनाएं तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई, इसको छोड़कर विगत तीन महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी तीन दिन से शांति है, मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है, जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। 79 सर, क्योंकि अभी आपने मणिपुर का जिक्र किया और कल सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो अफोर्डेबल कमोडिटीज वहां के लोगों को दी जाएगी और सेंटर्स और बनाए जाएंगे, सर इससे आम जनता को कितना फायदा और कितने लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे? देखिए, वहां पर एक रोड ब्लॉक कर दिया गया था, अब ब्लॉकेज जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो बीच में घटनाएं हुई उसके कारण ट्रांसपोर्टर भाई वहां से जाना मुनासिब नहीं समझते। तो हमने केंद्रीय सैनिक बलों के लिए जो हमारे राशन की दुकानें हैं, 18 दुकानें नई खुली हैं और खोलने का निर्णय किया है, और पुरानी सभी दुकानों से आम जनता को उचित दाम पर सारी चीजें, लगभग 100 चीजों का लिस्ट बनाया जिसमें टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, ये सारी चीजें भी है, खाने पीने की अमूमन सभी व्यवस्थाएं, वो एक राहत दर पर मिलने की शुरुआत होगी। इससे निश्चित रूप से महंगाई नीचे लाने में सफलता मिलेगी और जो गरीब तबका है उसको राहत दर पर सारी सामग्री उपलब्ध होगी। ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए खुला रहेगा। 39 नंबर नीलू रंजन, दैनिक जागरण से। सर, ये जो अभी 10 साल के काम में एक 3.5 साल से रुका हुआ काम जनगणना का, और अभी जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण का काम भी कोई डेट नहीं आया है, तो वो कब से प्रशिक्षण शुरू होगा और कब से जनगणना शुरू? बहुत जल्द आ जाएगा। मंत्री जी नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। ये क्या नाम है आपका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम पार्टियां ऊंचा कर रहे हो, अब सवाल भूल गए। हाँ नहीं, मैं दो तीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने जो पैसा की बात कहा है, वो पैसा जुटाने के लिए क्या कहीं से आप लोन का क्या सर इसमें, क्योंकि ऑपोजिशन काफी चीजों को, जब भी सेंसस के लिए घोषणा करेंगे ये सभी चीजों को सार्वजनिक कर देंगे। 17 पीछे। सर, मैं रविकांत राय हूं, टाइम्स नाउ नव भारत से। सर, पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि कुछ मुस्लिम संगठन जो है मस्जिद के बाहर एक क्यूआर कोड को चिपका रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कैन करो ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने, जो वफ अमेंडमेंट बिल आप लोग लेकर आने वाले हैं जो JPC के पास है वो ना आ सके। चलिए, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कर भी नहीं सकता। संसद की समिति इस पर काम देख रही है, कुछ लोगों ने संसद की समिति के में भी इसको उजागर किया है, कंप्लेंट्स की है, ऐसी मेरे पास जानकारी है, परंतु ये तो संसदीय समिति को देखना है कि एक सिर निर कैसे करना, जेन्युइन पक्ष या विपक्ष की शिकायतें हैं इसको कैसे सुनना, और जो इस तरह के मास प्रोग्राम है इसको कैसे डील करना, वो संसदीय समिति ही बहुत सक्षम है। 78
सर मैं आमोद हूँ टीवी 9 से। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोगों की है, रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। 95। हेलो सर, मेरी क्वेश्चन मणिपुर के साथ अपना परिचय दीजिए। या आई एम रीमा शर्मा, आई एम रिप्रेजेंटिंग प्रतिबिंब लाइव फ्रॉम असम। सो मेरी क्वेश्चन सर ये मणिपुर के साथ ही है सर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है और इस बर्थडे में मणिपुर में विजिट करने का कुछ डिसीजन अनाउंस करके कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकेंड चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी, आप कुछ प्लान है करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते सर। 44।